चुकी हूँ और मैंने अपना गर्म पानी है जो वो पी चुकी हूँ। अब मैं देखती हूँ क्या काम करना है। पहले कर लेती हूँ मैं झाड़ू पोछा, फिर उसके बाद मिलती हूँ थोड़ा सा काम करके, ये बर्तन है ये साफ करके। और अभी झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, कुछ देखती हूँ सब्जी क्या बनाऊँगी, या आके नहा के भी बना सकती हूँ या अभी भी बना दूँगी, देखती हूँ। और फिर मिलती हूँ मैं या तो नहाने के बाद या सब्जी बनाने के बाद। तो भाई मैंने कर दिया अपने घर में झाड़ू पोछा और रख दिया गर्म पानी नहाने के लिए। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो भाई मेरा देवर जी आया हुआ है और मैं कपड़े उतार लाई थी जो रात को सूखे नहीं थे कंप्लीट। ये मेरा देवर जी बैठा है, गाने सुन रहे हैं, आराम से अपना म्यूजिक का एंजॉय ले रहे हैं। तो भाई मैंने अपना झाड़ू पोछा कर दिया था। ये भाई तभी बैठने से तभी हो जाते हैं ऐसे। तो देखो भाई ये सारे झाड़ू पोछा कर दिया मैंने सारे रूम्स में बिल्कुल अच्छे से। ये देखो भाई सारा कर दिया और मैंने बाहर रख दिया है गर्म पानी नहाने के लिए। ये देखो भाई ये गर्म पानी हो रहा है, गर्म पानी। तो अब मैं थोड़ी देर में नहाऊंगी। उससे पहले मैंने कर दी है सब्जी की तैयारी। अब देखती हूँ मम्मी की सब्जी बोलेगी तो मैं ये सब्जी बना दूँगी। पत्ता गोभी, ये मिर्ची और ये सब मैंने सामान रखनी है, प्याज जो वॉश करके रख दी है। तो गाइस मिलती हूँ या तो सब्जी बनाने के बाद या नहाने के बाद। झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है और अभी कनागत भी है तो भाई कनागत भी निकालने पड़ते डेली के। कनागत की जो होते हैं वो मेरी सासू मोम मदर इन लॉ है वो निकाल देती है। और अभी आटा लगा देगी, फिर मैं नहा धो के रोटी बना दूंगी, कनागत की भी निकाल दूंगी और मम्मी जी दे आएगी फिर। तो भाई मिलती हूँ नहाने के बाद या मम्मी जी आएगी तब देखती हूँ सब्जी बनानी है क्या। शायद तो मैं अब बीच में नहा के ही आ सकती हूँ क्योंकि मम्मी जी है नहीं, बाहर गई होगी या तो शॉप पे, तो इसलिए मैं अब नहाने चली जाती हूँ। फिर मिलती हूँ, फिर देखते हैं सब्जी बनानी है पहले या रोटी बनानी है। ठीक है गाइस उसके बाद मिलती हूँ। तो भाई मैं आ चुकी हूँ ऊपर और थक गई, पानी लेके आई भाई गर्म ऊपर। तो देखो भाई मौसम बाहर का, स्कूल में बच्चे भी आए हुए हैं और हम मैं कर लेती हूँ ऊपर की मैं सफाई थोड़ी सी। सफाई करने के बाद ये देखो भाई ये मेथी रखी, ये भी धूप में सुखानी है। थक गई भाई बिल्कुल, सांस चढ़ गए हैं मेरी तो। ये देखो भाई मेरे कपड़े कैसे पड़े हुए हैं, देखो ये भाई रात को ऐसे ही छोड़ जाती हूँ। ये भाई बिल्कुल सांस चढ़ गया मेरे को तो। तो अब मैं कर लेती हूँ ऊपर की सफाई, उसके बाद मिलते हैं गाइस। तो देखो मैं अभी पानी दिखा देती हूँ, अभी मेरे को कपड़े भी वॉश करने थोड़े से, अपना ही करना होता है, डेली का सूट डेली कर देती हूँ। मेरे कपड़े भीगे हुए, ये मेरा पानी रखा हुआ गर्म, ये ठंडा पानी है। तब मैं नहाऊंगी और थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ। उसके बाद देखती हूँ उनमें से कौन सा सूट डालूंगी, क्यों देखो ये कैसे हुए हुए हैं। ये विदाउट प्रेस थे, ये प्रेस वाले हैं, तो ये रख देते क्योंकि भाई अलमीरा में रख देती तो ये दोबारा से वैसे हो जाते हैं। तो मैं दो तीन दिन की अब प्रेस करके साथ के साथ रख देती हूँ। ये मेरा टैडी देखो कैसे सो रहा है, ये हमारी फोटो, ये स्केच है हमारा भाई, मैंने फर्स्ट करवा चौथ रखा था वो वाला है, ये थोड़ा जूम करके बना रखा है, वो मेरी शादी का है जो कस्टमाइज कर रखा है, हैंडवर्क है उसमें, वो ही बहुत प्यारा है भाई, वो बनवाया था। और ये मैं हूँ नहाने से पहले, अब मैं आती हूँ नहाने के बाद। ये देखो भाई मैं नहाने जा रही थी फिर मेरे को बच्चे ज़्यादा दिख गए, मैं चलो भाई दिखाए जाते हैं बच्चे। ये देखो भाई ये बच्चे खड़े हैं सारे, देखो ये अभी स्कूल के। और देखो धूप कितनी सारी आ गई, देखो बिल्कुल। तो देखो गाइस मेरे फेस पर बिल्कुल धूप लग रही है, विटामिन डी लेना चाहिए थोड़ी देर के लिए फेस पे, तो मैं विटामिन डी ले रही हूँ। विटामिन डी तो कुछ नहीं ले रही थी, बच्चे आए थे तो मेरे को लगा कि आपको दिखा देती हूँ।
नहीं तो वरना देखो मेरे के लिए आते, मैं काम कर रही थी। तो मिलते हैं गाइज वही नहाने के बाद। गाइज मैं नहा के हूँ जो आ चुकी हूँ, अब करती हूँ अपना मेकअप। अब मैं आ चुकी हूँ और मैंने रूम में जो सारा क्लीन कर दिया, वो प्रेस वाले कपड़े हैं तो वही से दे रख रखे हैं क्योंकि प्रेस फिर वो बूझ जाते हैं दोबारा से। तो मैं दो तीन दिन अभी हैंगर वाला यानी हैंगर लगवाऊँगी। और ये मैंने जो अपना सूट है वॉश कर दिया, वो भी दिखा देती हूँ आपको। भैया मैंने अपना सूट है जो वॉश कर दिया, अब मैं चलती हूँ अंदर। ये मेरे को जाते वक्त ले जाना है, याद रह जाए। तो ये मेरा डैडी उठ चुका है। तो देखो भैया अब मैं हो चुकी हूँ, अभी हो चुकी नहीं हूँ, अभी सिर्फ नहा के आई हूँ। तो अभी रेडी होंगी, अभी बाल कॉम करूँगी। मेरे बालों में मेरे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ था, तो एक आयुर्वेदिक कुछ पता है, तो अभी तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ, इसलिए हेयर स्टाइल नहीं बनता अभी। आज देखते हो अगर पफ वगैरह बन पाया तो। तो देखो भाई मैं ये फुल्ली, मैंने ये वाला सूट डाला है आज, बहुत प्यारा सूट है। मेरे को इसका वर्क पसंद है क्योंकि मेरे को जो वर्क है वो गले पे और बाजू पे पसंद होता है, एक बाजू का डिज़ाइन और एक बैक पे डिज़ाइन। मेरे को जो फ्रंट गला होता है वो मेरे को डीप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये देखो भाई इसका कलर भी बहुत प्यारा है और जो इसका वर्क है देखो बाउंड्री नीचे भी सेम है, बहुत प्यारा है। बट ये और गंजा कपड़ा होता है, इसमें क्या होता है बिना इनके काम ही नहीं चलता। तो इसलिए मैं आयन करके शाम को दो तीन सूट रख देती हूँ और फिर दो तीन दिन तक वो डालती हूँ। फोन नई वाली है जो वो भी करती रहती हूँ, तो इसलिए वो सूट उधर रखे। और हैंगर ये एक ही लगा हुआ है, ये यहाँ से हटवा के मैं कहीं और लगवाऊँगी। ये लगा रहेगा, इस पे हल्का फुल्का कुछ टंगा रहेगा, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मेकअप के बाद फुल रेडी होने के बाद फिर हम चलेंगे नीचे किचन में। तो गाइज मैं हो चुकी हूँ फुल्ली रेडी, अभी मैं मार लेती हूँ परफ्यूम। परफ्यूम भाई मैं यूज़ करती हूँ जेनोवर का, बहुत अच्छा परफ्यूम है। तो भाई मैंने मार लिया है परफ्यूम क्योंकि मैं परफ्यूम भूल गई थी मारना। और अब ले लेती हूँ दुपट्टा, ये है मेरा दुपट्टा। इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, देखो बिल्कुल लाइट वेट सूट है और वर्क भी बहुत ज़्यादा प्यारा है इसका। देखो भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, पता नहीं मैं मोटी हो गई हूँ या पतली हो गई हूँ भाई, मेरे को ये सूट लूज़ हो गया है। वैसे मैं पतली तो हुई नहीं, बट मेरे को ये समझ नहीं आया मेरे को ये सूट लूज़ हुआ कैसे, क्योंकि मैं तो पतली हुई नहीं हूँ, ये तो गारंटीड है। देखो देखना कितना लूज़ हो गया है, मतलब इतनी तो नहीं हूँ। अब इसे फिटिंग करवाना पड़ेगा, फिर इसे फिटिंग करवाऊंगी तब देखते हैं। और नीचे इसकी है प्लाजो पैंट, ये ऊपर सूट। ये भाई इनके कलर भी बहुत जल्दी निकल जाते हैं, एक दो बार सूट डालने से बाद ही पता नहीं कैसे सूट है। तो अभी मैं चल रही हूँ नीचे और फिर दिखाती हूँ मैं आपको किचन में आज हम क्या बना रहे हैं क्या नहीं। अभी मैं कैबेज निकाल के आई थी, बट अभी डर नहीं है कि वो आज हम बनाएंगे नहीं बनाएंगे, कि मम्मी जी ने नाइट में बनाई थी हरी सब्जी, तो जो मेरे सास ससुर है वो तो हरी सब्जी खाएंगे। और मेरा भी डर नहीं है कि मैं क्या खाऊंगी, तो क्या पता मैं सब्जी बना भी लूँ और यार नहीं भी बनाऊँगी, रोटी तो ज़रूर बनाऊँगी। अब वो मैं आपको नीचे जाके दिखाती हूँ। ये देखो मेरा प्यारा सा दुपट्टा और ये फुल लुक भाई। तो अभी मैं नीचे चलती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस मैं आ चुकी हूँ नीचे, मेरी मदर इन लॉ भी नहीं आई, तो मेरे को नहीं पता अभी भी ये सब्जी बनानी है नहीं बनानी। तो भाई मेरा मन हो रहा है मैं तो बना ही देती हूँ, आएंगी तब आ जाएंगी और फिर मैं अपना रोटी बनाऊँगी सब्जी, फिर मिलती हूँ सब्जी और रोटी बनाने के बाद। आज हम बनाएंगे कैबेज, मेरी फेवरेट सब्जी है भाई। मटर मैंने कल राइस में डाल के सारी फिनिश कर दी, वरना मैं राइस इसके लिए लाई थी। और मैं बिंदी लगानी भी भूल चुकी हूँ, बिंदी मैं अभी लगाती हूँ दोबारा जाके। और ये देखो भाई अभी मैं सब्जी बना लेती हूँ बिंदी लगा के, नहीं तो मेरी मदर इन लॉ आके ही कहेगी बिंदी कहाँ है, और मैं बिंदी भूल चुकी हूँ। अभी मैं बिंदी लगाती हूँ। तो भैया मेरा मसाला अच्छे से भून जाएगा, धीमी आँच कर देती हूँ। ये मेरी पत्ता गोभी आलू है, मटर नहीं भाई, मटर बची नहीं होती। ये मैंने अच्छे से वॉश कर दी, अब मसाला पकने के बाद मसाले में डाल के स्टीम में बना दूंगी इन्हें। वैसे कढ़ाई में बनाती हूँ बट आज मैंने इसमें ही बना दी। तो ये मेरा मसाला अच्छे से भून के तैयार हो गया और ये मैंने आटा छान दिया, मैं आटा लगा लूँगी। तब तक ये मसाला भून रहा, मैं इसमें सब्जी डाल देती हूँ अपनी और अच्छे अच्छे मसाले में कवर करके
और कुकर बंद कर देती हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको कैसे सब्जी बनी। तो भाई मैं सब्जी दिखाने भूल गई थी, ये देखो थोड़ी सी बची हुई है, ये मेरी सब्जी थी और ये बन के तैयार हो गई थी। ये रोटियाँ हैं, मैंने तो खा ली थी, मेरे को याद ही नहीं रहा कि वीडियो थी। और देखो भाई मेरी सब्जी बहुत अच्छी बनी, खाने में बहुत टेस्टी है। मैंने बर्तन साफ कर दिए, सारा काम मेरा हो चुका है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। पूरी का तो सुतरी तो कौन नहीं होगी।